वेलकम बैक नाजीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की शानदार जीत के हवाले से। 20 साल बाद बिलाखर पाकिस्तान सोने का तमगा सजाने में कामयाब हो गया। एशियन गेम्स में पाकिस्तान को कामयाबी नसीब हुई। मलेशिया के खिलाफ 2-0 से हराने में पाकिस्तान कामयाब हो गया। पाकिस्तान के विकेट कीपर और फिर पाकिस्तान के पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट सुहेल अब्बास ने बड़ा क्लीदी किरदार अदा किया इस फतह के अंदर। रेहान भट्ट ने भी एक गोल किया। किस तरह देख रहे हैं मुख्तलिफ ओलंपियंस इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान और साबिक ओलंपियन जनाब मोहम्मद सकलैन ने। उनसे हैं कि वो इस कामयाबी को किस तरह देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सकलैन साहब। वालेकुम अस्सलाम सकलैन साहब, बड़ी खुशी की बात है इस कौम को इस कदर परेशानियों के अंदर कोई खुशी की खबर भी मिली कि कौमी खेल के अंदर जो कि हमारा इतना अहम तरीन जाहिर है मुल्क का खेल है उसके अंदर 20 साल बाद कामयाबी हुई है। किस तरह देख रहे हैं आप इसे? जी बिल्कुल, पूरी जो है वो कौम जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है, पूरी टीम भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। मैं समझता हूं अगर आप ओवरऑल देखेंगे जो सिनेरियो चल रहा था, जो सीनियर प्लेयर्स जो 6 सीनियर प्लेयर्स थे इस टीम में जी, उनके लिए ये आखिरी टूर्नामेंट था। और मैं सोचता हूँ जिस तरह उन 6 प्लेयरों ने जो है वो सीनियर, जिसमें सुहेल अब्बास भी है, सलमान अकबर भी है, रेहान भट्ट भी है, वसीम भी है, शकील अब्बासी भी है, मोहम्मद खान निशान भी है, और वो इनका आखिरी टूर्नामेंट था। मैं समझता हूँ इन्होंने इनकी पूरी कोशिश थी कि सीनियर जो अपना 100% दे सकते हैं वो दे। और लकीली जो है वो जो है हमारा कोरिया के मैच हुआ, कोरिया की फुल स्ट्रेंथ में टीम नहीं थी, मगर फिर भी हम सेमीफाइनल जीते। सलमान अकबर ने आउटस्टैंडिंग सेव किए। फाइनल भी जो आप देखें कि मलेशिया टीम जो है वो कहने की हमारी दुआएं इतनी ज्यादा थी, पूरी कॉम की इतनी ज्यादा दुआएं मांगी थी कि मलेशिया बिल्कुल ऑफ कर रहा है फाइनल में। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइएगा कि जो सलमान अकबर की परफॉर्मेंस है खासतौर पर सेमीफाइनल में, उसको किसी सूरत फरामोश नहीं किया जा सकता। ये जो गोल कीपर ने कारनामा सर अंजाम दिया है उसको आप किस तरह देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आप देखें कि मॉडर्न हॉकी में जो है वो गोल कीपर जो है सबसे जो है इम्पोर्टेंट जो है वो होती है, उसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा थी गोलकीपर की। अगर गोलकीपर 60-70% जो है अगर अच्छा खेले तो फिर ही जो है वो टीम जीती है। अगर टीम नहीं जीती, जिस टीम में गोलकीपर अच्छा नहीं खेलता वो कभी भी जीतेगी। आप देखेंगे 2005 में 2006 में जो है सलमान अकबर जो है बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी खेले, उसके बाद 1-2 साल जो है वो ऑर्डनरी सी परफॉर्मेंस थी उनकी। मगर 2005 में 2006 में भी हमने जो है कॉमनवेल्थ गेम का फाइनल किया, इंडिया को क्लीन स्वीप किया हमने, रजलान शाह भी जीता उसमें, उसमें जो है वो गोलकीपर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं समझता हूँ कि सलमान अकबर जो है जिस तरह वो आए हैं हॉलैंड में, जो एक्सपीरियंस उनको जो मिला है उनको खेलते हुए जो लीग में, और मैं समझता हूँ कि एशियन लेवल जो है, हालांकि वो यूरोपियन लेवल को टच तो नहीं करता, मगर एशियन लेवल पे आकर उन्होंने जिस तरह सेव किए हैं बड़े कम होते, क्योंकि प्लेटी स्टॉक के ऊपर 99% चांस होता है कि गोल हो जाए, 1% चांस होता है कि गोल रुक जाए, मगर सलमान अकबर ने 7 में से 4 प्लेटी स्टॉक रोक के मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा कारनामा पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल सही आपने कहा। ये बताइएगा कि 90s के अंदर हमारे कई हॉकी के स्टार प्लेयर्स थे जिनका बड़ा नाम भी था, लेकिन अब उस तरह के स्टार प्लेयर्स नजर ही नहीं आते हॉकी के अंदर जिनका बड़ा नाम हो। इवन अख्तर रसूल जो सलाउद्दीन पुराने जमाने में अगर हम चले जाए तो उसमें भी बड़े बड़े स्टार नाम सामने आते हैं, ये जो स्टार हॉकी प्लेयर्स हैं वो सामने नहीं आ रहे, इसकी क्या वजह समझते हैं आप? जी आप देखेंगे जो विक्ट्री होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम लोग जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड लोग हैं, हम लोग जो है आप देखेंगे 20 साल के बाद जीते हैं हम, तो कहां से आने हैं, नाम कितना पैदा होंगे। जिस तरह सुहेल अब्बास का नाम है कि वो इंडिविजुअल स्किल है उसकी, प्लेटिंग तेज मारता है, रेहान है वो स्ट्राइक करता है, सलमान अकबर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जितना मैच इंटेंसिटी वाला दुनिया में सबसे तेज स्ट्राइक कर रहा है, कि हम लोगों ने अपनी जो एफर्ट करके जो जो है ना अपनी स्किल जवाल आया है जो थोड़े गिरावट का शिकार हुई है कि उस तरह उस पर मेहनत नहीं हो रही, उस तरह के लोग सामने नहीं आ रहे, तो हमने प्रमोट भी नहीं किया हमारे क्लब्स ने या हमारी जो मल्टीनेशनल कंपनियां थी, जो हमारी इंटरनल कंपनियां थी उन्होंने भी इसको सपोर्ट नहीं किया, ये भी एक वजह है। बिल्कुल, आप देखेंगे जब मैं कॉलेज में जब मैं दाखिला लिया था तो उस वक्त जो है वो एक कोटा होता था, 2% कोटा होता था यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, और उसके बाद जो है गेम बेस के ऊपर जो है वो सब लोग PIA में जॉब मिल जाती थी, बैंक मिल जाती थी, तो एक सेफ था एक प्लेयर का जो है ना वो एक स्कोप जो है वो फ्यूचर था। मगर अभी आप देखेंगे तकरीबन 10 साल से गवर्नमेंट ने बिल्कुल पॉलिसी चेंज कर दी है, कोई परमानेंट जॉब नहीं मिलती किसी प्लेयर को, कोई जो है वो प्लेयर को इंसेंटिव नहीं मिलता है। अगर खुदा ना खासा आप ये देखेंगे इस टीम में से आज जो है कोई अनफिट हो जाए, किसी का एंकल प्रॉब्लम हो जाए, किसी का नी प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि इतनी स्पीड के साथ हॉकी जो है वो दुनिया का सबसे तेज तरीन खेल बन गया हुआ है, अगर कोई किसी प्लेयर को चोट लगे तो वो बिल्कुल जो है उसके बाद उसको ना को गवर्नमेंट पूछेगी ना उसको फेडरेशन पूछेगी, तो ये मेन वजह है। मैं समझता हूँ कि जो इंसेंटिव होते हैं जो जो दूसरी टीमों को जो मिलते हैं, जो यूरोपियन प्लेयर्स जो है वो तैयार होते हैं पूरी तैयारी में आते हैं, जिस तरह आशो टर्फ जो है अब तक हमारे जो है वो प्लेयर घास के ऊपर ग्रास के ऊपर खेल के आते हैं, तो आप देखिए ग्रास के ऊपर और
जी शर्म ट्रफ भी नहीं है जिसमें प्लेस, अगर ट्रफ भी नहीं खेलेंगे तो कैसे आएंगे? इतना महंगाई होगी, इतना महंगा खेल है हॉकी जो है वो 20 से 25 हजार रुपए की अच्छी हॉकी आती है, 20 हजार रुपए के शूज आते हैं, 1500 रुपए का जो है वो बॉल आता है हॉकी के लिए, जो गोलकीपर का जो इंस्ट्रूमेंट है, जो गोलकीपर ने जो किट पहनी है वो 1.5 लाख रुपए के करीब होती है। सही। आप देखिए हम लोग जो है हॉकी के ऊपर बिल्कुल हमारे जो सरपरस्ती है गवर्नमेंट बिल्कुल सही तरीके से नहीं कर रही। ये आपने बड़ी अच्छी बात की जो आपने दादा कुमार बताया कि एक महंगा खेल बन गया है हॉकी। ये बताएगा जब तक आस्ट्रो टर्फ नहीं थी पाकिस्तान और इंडिया का कोई जवाब नहीं था, ये कहते हैं कि वेस्टर्न ने साजिश की है सब कॉन्टिनेंट के खिलाफ जिसकी वजह से वो अब इसमें बढ़तरी ले रहे हैं, ये बात दुरुस्त है? देखिए किसी हद तक तो ये बात कही जा सकती है कि देखिए जब तक घास थी ग्रास के ऊपर खेलते थे इंडिया और पाकिस्तान फाइनल खेलता था। Exactly. मगर अभी मैं समझता हूँ कि आशो ट्रफ ये नहीं है कि आने से जो हमारे पाकिस्तान की स्किल खत्म होगी, हम बल्कि पाकिस्तान को सच स्किल जो है वो दिखानी चाहिए थी। यूरोपियंस जो है उनको पता था कि ये गरीब ममालिक है, इनमें से आशो ट्रफ जो है 5-10 करोड़ रुपए की कहां ले सकते हैं, बड़ी मुश्किल से 1 या 2 या 4 ले लेंगे। अभी हॉलैंड में 500 के करीब आशो ट्रफ है, हमारे जो है वो प्लेयर जो है वो आशो ट्रफ के ऊपर बचपन से खेल ही नहीं पाते, जिसका प्लेटिंग ऑनर मानने के लिए बिल्कुल ड्रैग क्लिक के लिए बिल्कुल डिफरेंस चाहिए, जो जो है वो उसका जो है 12 से 16 साल की उम्र में वो डेवलप होता है, तो यहाँ पे तो वो डेवलपमेंट ही नहीं है, 8 साल की उम्र में वो कैंप में आते हैं, तो ये मेन रीजन यही है। जी हाँ, तो ये बताइएगा कि इंडिया के साथ हमारा पहले बड़ा मुकाबला होता था, हम बड़ी आसानी से इंडिया से कामयाबी हासिल कर लेते, हमने 7 दफा जो गोल्ड मेडल एशियन गेम्स में जीता है वो इंडिया से जीता है, ये पहली दफा मलेशिया से जीता है, तो ये क्या वजह है कि अब हम इंडिया से भी मरूब होने लग पड़े हैं, आजकल हमारी इंडिया से भी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं जा रही? नहीं, इंडिया अगर देखें आप, इंडिया ने वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान को हराया और इस टूर्नामेंट में भी पाकिस्तान को हराया। हाँ जी, मगर मैं समझता हूँ कि आजकल की हॉकी में कोई डिफरेंस नहीं है, टीमें पूरी तैयारी में आती हैं। आप देखिए लास्ट जो एशियन गेम का फाइनल जो है वो चाइना ने खेला हुआ, चाइना ने जीता हुआ, चाइना ने फाइनल खेला हुआ, तो उससे पहले जो एशिया कप था वो चाइना ने, कभी सुना भी नहीं था कि हमने चाइना की टीम भी हॉकी में कोई नामवर टीम बनेगी, मगर अभी तक इतने प्रोफेशनलिज्म इतना आ गया, इतनी टेक्निक आ गई है, इतने जो है फिजिकल जो है वो ट्रेन न्यूट्रिशन जो है वो टीमों के साथ बींग स्पेशलिस्ट काम करते हैं, कोई भी जो है वो अचीवमेंट हो सकती है, मगर इंडिया जो है उसकी नो डाउट है बड़ी अच्छी टीम है और अभी भी जो है वो इंडिया की बड़ी भरपूर टीम है, अनफॉर्चुनेटली वो फाइनल में हार गया, हम तो ये तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल आएगा, मगर मैं समझता हूँ अच्छा अल्लाह पाक ने जो भी किया बेहतर किया, आसान टीम जो है वो मलेशिया जो हमें फाइनल जिसमें हमने अच्छा सकलैन सर, एक और तासुर ये भी है कि अब हॉकी का जो खेल है बहुत ज्यादा साइंटिफिक हो गया हुआ है, बहुत ज्यादा प्लानिंग, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है, इवन टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, और फिर जो मुख्तलिफ पेनल्टी स्पेशलिस्ट हैं या जो फ्रंट फुट पे खेलने वाले हैं या बैक एंड पे खेलने वाले हैं उनके हवाले से भी बड़ा खास बात की जाती है कि उनको भी बड़ा ऑर्गेनाइज करना एक पूरा साइंस बन चुकी है हॉकी, ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल, मैं आपके ये बता दूं कि हॉलैंड में PhD होती है यूनिवर्सिटीज में हॉलैंड हॉकी में। सही। तो उन्होंने इतनी तरह जो है वो मॉडर्न कर दी है हॉकी में, मगर मैं एक आपको बात बता चलूं कि हॉकी में गोल करना और गोल जो कंसीव करना वो तो सेम ही रहता है, मगर फिर भी आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, आप हर टूर्नामेंट में जो है आशो ट्रफ के ऊपर हाई फिटनेस चाहिए होती है, हर टूर्नामेंट को आप टारगेट नहीं बना सकते, आप साल में 2 साल में आप एक टूर्नामेंट को टारगेट बनाते हैं फिर उसके ऊपर काम करते हैं, जितने ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज होगी डिफेंसिव स्किल आप देखें कि इतनी ज्यादा आ रही है, अभी आप देखें 2 या 3 जो है वो सिर्फ अटेम्प्ट होती है गोल के ऊपर उसी में फैसला होता है, इतनी भी जो 70 प्लेयर जितनी भी टीम है वो डिफेंसिव स्किल जो है वो डिफेंस करती है, क्योंकि ऑटोमेटिक जो है वो ऑफसाइड खत्म होने के बाद जो है वो और ज्यादा ग्राउंड बड़ा हो गया, तो उसकी वजह से जो है डिफेंसिव स्किल्स जो है वो बहुत ज्यादा आ गई है, हमारे जितने भी पाकिस्तान के कोचेज ज्यादातर कोचेज देखे हमने कि वो मॉडर्न हॉकी से बिल्कुल जो है वो इतना ज्यादा वो नॉलेज नहीं है उनको। जी हाँ एग्जैक्टली, तो आप समझते हैं कि जो कोचेज हैं वो जरा जदीद इन चीजों को सीखे और जो पुराने प्लेयर्स हैं वो भी इनको गाइडेंस दें तो जरा बेहतरी आ सकती है इसमें हॉकी में? जी बिल्कुल, आप देखेंगे मेरे ख्याल में ये एक राइट टाइम है हॉकी के लिए, आप देखेंगे जितने हमारे पुराने ओलंपियंस हैं जिनमें शनाज शेख, सलाउद्दीन, ये जिन्होंने नाम सुनाए, फरीद आलम, ताहिर जमान, ये शहबाज सीनियर, ये ऐसे लोग हैं जो जिनसे फायदा उठाया जा सकता है फेडरेशन को, और फेडरेशन में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल जो है वो कहने के यूजलेस हैं कि वो सिर्फ जो है वो फेडरेशन की जो है वो तरीफ ही कर जाते हैं, हमें ऐसे लोग चाहिए जो सिर्फ हॉकी के लिए काम करें, हॉकी की बेटरमेंट के लिए काम करें, थिंक टैंक हो और सिर्फ वो हॉकी के लिए एक जगह होकर काम करें, सिर्फ वो डिजर्विंग लोग हो, ऐसे लोग हो जो सिर्फ हॉकी को लेके, अभी तो हमें एशिया में डोमिनेट किया, हमें करने की जरूरत है कि हम वर्ल्ड में भी डोमिनेट करें। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और वर्ल्ड कप में और खासतौर पर ओलंपिक्स में जिसपे पाकिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया उसमें आप बेहतर चांसेस देख रहे हैं पाकिस्तान हॉकी के? बिल्कुल, पाकिस्तान ने सबसे मेरे लिए वर्ल्ड साइन थी अगर किसी तरीके से पाकिस्तान जो है वो एक टूर्नामेंट जीते ताकि ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट, आप देखेंगे आप चैंपियंस ट्रॉफी में पहले 6 टीमों से बाहर हो गए हुए, तो जब तक आप पहले 6 टीमों के साथ नहीं खेलेंगे आपकी कभी भी नहीं हो सकती, इस तरह अगर खुदा ना खास ओलंपिक में मैच अगर हार जाते तो हम ओलंपिक से बाहर हो जाते, फिर हमें क्वालिफाई करना पड़ता ऑलमोस्ट हमने ओलंपिक से बाहर चला था, तो जब भी हम ये एटलीस्ट हम टॉप रैंकिंग के ऊपर रहेंगे, हम जो है वो अच्छे कंपटीशन में दुनिया की जो बेस्ट 12 टीमें हैं उसमें रहेंगे और उसी में जो खेलेंगे, मगर मैं समझता हूँ कि ये मरीज का एक पहला खतरा है, एक बारिश का पहला खतरा
کو آخری قطرہ نہیں سمجھنا چاہیے. درست یہ نہ ہو کہ ہم نے 20 سال کے بعد اور نیکسٹ جو ہے ہم 50 سال کے بعد جیتے. ہمیں یہ جو ہے کلیکٹیولی ابھی ایفرٹ کرنی پڑے گی ٹیم کے لیے بھی آن دا فیلڈ اور آف دا فیلڈ بھی. بہت شکریہ سقلین صاحب, انشاءاللہ آپ سے پھر رابطہ ہوگا. ناظرین, سابق اولمپئن اور سابق کپتان محمد سقلین ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے بتایا کہ ہالینڈ کے اندر پی ایچ ڈی ہوتی ہے ہاکی کے اوپر, لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اپنے قومی کھیل کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں کہ 20 سال بعد ہم ایک معمولی فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. پاکستان کے لیے یقینا ناظرین ایک بڑی فتح ہے, لیکن ایشین گیمس کے اندر کوئی اتنی بہت بڑی کامیابی پاکستان کے لیے اس لیے نہیں ہے کہ ابھی پاکستان نے ورلڈ کپ میں چیمپئنس ٹرافی میں بھی حصہ لینا ہے, اس پہ پاکستان کو لیے کردار ادا کرنا ہوگا. پاکستان کو کم از کم دنیا کی 10 بہترین ہاکی ٹیموں میں تو ہونا چاہیے, اور خاص طور پر جس ٹیم نے کئی دفعہ ورلڈ کپ جیتا ہو اور 8ویں دفعہ گولڈ میڈل جیت رہی ہے ایشین گیمز کے اندر, اس کو چاہیے کہ اپنی مزید اپنے مستعدی کا مظاہرہ کرے اور اپنی بہتر پرفارمنس دکھائے. اسی پر ہم آج بات کر رہے ہیں ناظرین, ہاکی میں کامیابی اور مزید کامیابیاں کس طرح حاصل کی جا سکتی ہیں. ایک چھوٹی سی بریک بعد مزید بات کریں گے, دیکھتے رہیے ویو پوائنٹ.